एंड आई थिंक इतने में तो एक और डिग्री वी आई गुड हैव गॉट इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम गीता जो कहता है कि जो भी आपकी स्थिति हो रेन और शाइन गुडनेस बैडनेस जो भी हो आप अपना विजडम कभी ना भूलें सर ट्वेंटी वन में क्योंकि मेन्स भी नहीं हुआ था प्रलम्स भी नहीं हो रहा था इवन इफ यू क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट और इट टेक्स यू कपल ऑफ मोर अटैम्प ऑलवेज कीप चेंजिंग और अप्रोच इफ यू हैव फेल्ड सर आई वे दैट इंटरव्यू मेरा फेवरेट राउंड बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हेलो एवरी वन माइनेशुमी टूडे वी हैव अ टॉपर ऑफ पर टू रिपीटेड सेटबैक्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन she got into irs in 2022 and this year secured air 79 i would like to welcome ishani anand so hi ishani welcome to an academy first of all congratulations on getting air 79 in this year's upsc civil services exam so स्टार्ट करते हैं क्या फीलिंग थी शानी uh, होली पीडीएफ आप, आप <laughs> so uh, uh, और okay. मेरा नाम आई आर एस में निकला था okay. उस साल मैंने कंट्रोल एफ किया था सर और उसमें पी में थोड़ा सा दूर आया था नाम okay. तो इस साल मुझे शुड सी वन आफ्टर दी अदर सीरियली तो फिर मेरा नाम पीडीएफ में जल्दी दिख गया एंड आई 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 वाज वेरी हैप्पी सर। तो फर्स्ट थिंक बहुत I, I know, बहुत ही नो वो टाइम होता है टू थ्री मिनट्स आप PDF में ढूंढ रहे हो कितना टाइम लगा आपको 79 <laughs> से से थे थे ये बात होती है कि

प्रयागराज सेंटर पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है दो मई से Sir, in my life, there wasn't one incident that pushed me to do civil services, sir. But I do come from a background of civil service, so I have seen how the life is. But I have seen that with this job, you impact life. And I felt that my inner mental faculty also had a lot of compassion and empathy. So I really wanted to have an occupation where my perspective is so broad with the people, sir. So I thought that if I can couple my desire for helping people and also my

और वाई दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट वैलिड सर जॉब इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली द एक्सटर्नल जो बाहर से दिखता है अंदर सिविल सर्वेंट के दिमाग में कितनी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है द कैपेसिटी टू हैंडल प्रेशर टू थिंक ऑफ डाइवर्जेंट सोल्यूशंस ऑन द फील्ड ये सब भी इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं सर तो आई वंडर्ड कि वेन आई सॉ दिस फ्रॉम अ वेरी इंटीमेट पॉइंट ऑफ व्यू आई फेल्ट दैट दिस इज़ वॉट समथिंग आई एस्पायर टू ऑल्सो डू सर तो YouTube की रॉयल एंट्री वीडियो नॉट योर मोटिवेशन राइट नहीं सर चलिए सो ईशानी अपनी यू पी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कब से आपने ये सोचा कि मुझे एग्ज़ाम लिखना है एंड देन कब आपने ये एग्ज़ाम लिखा और पूरा ये आपकी पूरी जर्नी किस तरीके से रही है आपकी यू की सर इट है पाँच साल हो गए सर लिख लिख के एग्ज़ाम Uh, okay. and आई थिंक इतने में तो एक और डिग्री भी आई वुड हैव ट्वेंटी 2019 आई बिगैन माय प्रेपरेशन और मेरा पहला प्रिलिम्स 2020 में नहीं हुआ था फिर मैंने अच्छे से तैयारी करी वापस विद अ चेंज्ड स्ट्रैटेजी चेंज्ड अप्रोच आई वुड कॉल दैट माय फेवरेट फेलियर सर क्योंकि उसके बाद आई अंडरस्टूड कि एग्जाम की डिमांड्स क्या हैंक्चुअली फिर ट्वेंटी में मेरा प्रिलिम्स हो गया पर मेरा मीनस नहीं हो पाया तो आई हैड अदर डिफरेंट सेट फिर मैंने उसको वापस शुरू से शुरू किया 22 में मेरे सारे तीन क्लियर होके गॉट द इंडियन रेवेन्यू सर्विस बट फिर तुरंत लगा कि मेरे कुछ पेपर्स अच्छे नहीं गए थे ऑल वाई वॉज वेरी हैप्पी विद द सर्विस आई फेल्ट अ बिट अनफिनिश्ड कि शायद मैं और पुश कर सकती थी अपने आप को मे बी आई कैन डू मोर आंसर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने वापस दिया सर बट अगर आप मेरी जर्नी को देखो um,

सर बहुत ही मुश्किल होता है टू कीप गोइंग बिकॉज यू डोंट नो कि आपको सक्सेस आएगी या नहीं बट सर आई वुड लाइक टू से दो चीज टू थिंग्स एट कैटमी गोइंग फर्स्ट इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल स्थिति प्रज्ञा इट इज अ कॉन्प्ट फ्रॉम गीता जो कहता है कि जो भी आपकी स्थिति हो रेन और शाइन गुडनेस बैडनेस जो भी हो आप अपना विजडम mm -hmm. कभी ना भूलें तो अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए ऑलवेज रिमेन थैंकफुल बहुत बड़ा फेलियर मिले डोंट बिकम सो डिज हार्टेंड जस्ट रिमेन वाइज एंड हैव इकोनामिटी तो जब भी मेरा पी डी एफ में नाम नहीं होता था आई वुड क्राई फॉर फाइव सिक्स मिनट्स इन एन आई वु स्टार्ट स्टार्टिंग अगेन जब जैसे इस साल का रिजल्ट अच्छा आया फिर भी मैं बिल्कुल शांत थी आई वॉज वेरी नॉर्मल सर तो आई थिंक ये वाली फिलॉसफी बहुत हेल्पफुल रही है मेरे साथ तो अपना कंपोजर फेलियर हो या सक्सेस दोनों में आपने अपना कंपोजर मेंटेन बिल्कुल इंटरनल जाके सोचना होता है कि मेरा प्रोसेस ठीक था हाँ फिर मैं यहाँ पे आई हूँ सर एक और चीज़ है इट्स कॉल्ड द कुकी जार थियोरी तो ये कहती है कि अगर आपकी कोई भी छोटी सी छोटी जीत हो लाइफ में प्रिलिम्स हो गया मेंस हो गया या कुट भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑन सम डे जब आप बिजी हो आप उसको लिख लिया करो कहीं पे डायरी में mm -hmm. तो जब भी आपको लगे कि हाई मेरी समस्या अच्छी नहीं है यू गो बैक टू दिस यू रीड इट एंड देन यू बिकम मोर रेजिलियंट सर तो बहुत दिन ऐसे है कि मुझे लगता था आज पढ़ाई नहीं हो रही शायद मेन्स नहीं हो पाएगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा सब्जेक्ट बट आई वुड राइट इट डाउन

You know, you know the nature of this exam. 99% of those who are giving this exam will eventually not get through. Yes. sir So isko dhyan mein rakhte हो? Did you have a plan B? Sir, ऐसे लगा था sir 21 में क्योंकि uh -huh. mains भी नहीं हुआ था, problems भी नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था, despite being a very positive परसेंट शुड आई बी मोर प्रैक्टिकल आई डिट थिंक सो जबकि फैमिली सपोर्ट थी मेरे पास तो मैंने कैट एग्ज़ाम लिखा और आई आई एफ टी का एग्ज़ाम भी लिखा था सर आई डिड क्रैक बोथ दी एग्जामिनेशन बट फिर मुझे इतनी हैप्पीनेस नहीं आई थी सर ऑल्सो दीज आर वंडरफुल एग्जाम्स एंड दे ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट बट इट मे नॉट हैव इन माई ओन कॉलिंग तो डिस्पाइट हैविंग क्लियर इट आई टोल्ड माई सेल्फ गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है लेट्स नॉट टेक अ लेफ्ट टर्न नाउ एंड देन आई वेंट बैक अगेन सर एंड रोड ट्वेंटी ट्वेंटी सो दिस यू नो टेक्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई ऑब्जर्व जिन लोगों के यू नो दे रीच या इंटरव्यू

The people who go till the interview, almost more or less all are similar. But still, according to you, what separates you know people who clear this exam and the people who don't? You know, finally. So a lot of people say ki luck bhi kaam aati ki beyond a certain point, and rightly so, all interview candidates are equally deserving of the rank. Mm -hmm. But over my journey in specific, I can say that I have चेंज माई अप्रोच एवरी टाइम आई हैव फेल्ड मैंने सेम गलती कभी नहीं करी शायद नई गलतियाँ करी होगी इस अटैम्प्ट में भी बट आई नेवर रिपीटेड द सेम मिस्टेक और मैंने कहीं पढ़ा था दैट टेनासिटी इज़ दैट क्वालिटी इट इज़ अ परसिवियरेंट पर्सन who keeps improving his approach but never repeats the same mistake. You cannot get a different result with the same wrong approach. So I think this is something everyone should learn. Even if you clear in uh, first attempt or it takes you couple of more attempts always keep changing your approach if you have failed. There is no shortcut in this exam. If you fail, it's completely okay. Embrace them very gracefully. So I think uh, you've made a very important point. Don't repeat the same mistakes. Yes, sir. So, You know, ये भी एक रही है लोगों ने इस साल मीन्स दिया विद अप्रोच दू नो देव प्रोसेसमेंशन इंपॉर्टेंट जस्ट ट्राई टू चेंज देशन सो ईशानी थोड़ा सा स्टैटिक है करेंट अफेयर है

यू शूड ऑलवेज़ कवर योर एन सी आर टीज फॉर दीज टॉपिक इन गेट अ बेस और उसके बाद जो सोर्स मटीरियल है सब टॉपर्स ने लिखा है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई हैड डन और ऐसा था कि मेरा फर्स्ट बेस बन चुका था फर्स्ट ईयर में एंड आई कुड कीप एडिंग वैल्यू एडिशन ऑन दी स्टार्टिंग सिलेबस ऑल्सो इसमें जैसा आपने कहा है कि डायनामिक्स भी होते हैं इसमें करंट mm. अफेयर्स होता है साइंस एंड टेक और ऐसे टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं mm. तो इसको यू शुड अपडेट एवरी ईयर और मेरी स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स मैगजींस और न्यूज़ पेपर्स और जनरली तो जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ाई तो आई होप पूरी की बाय द बुक बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी सर बट हाँ। मैं बहुत अनप्रिपेयर थी फॉर दू आवर एग्जाम क्योंकि ये वाला एग्जाम इट इज नॉट जस्ट अ नॉलेज एग्जाम यू कैन नॉट थिंक यू विल सक्सीड विद मोर बुक्स

keep you know re keep regularly revising your content and then yes. practice is i think Very uh, one important. of the most important things uh, the pyqs will tell you pyqs hmm. will tell you the important topics that they're asking constantly okay. you make a list of them and prioritize them for revision so we are not revising from book cover to cover so aisi cheeze samajh aati hain sir from pyqs अच्छा इस एग्ज़ाम में जैसे तीन स्टेजेस हैं प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तो आपका प्रीलिम्स में भी I would say कि you have yes. You know, there was a setback. Yes, I would say mains. के there भी you have Set faced back. the setback. Uh, so, in Tino stages, mein, which stage do you think is the you know most easy to control to tackle? So, it will be easy to control and tackle mm, is mains, perhaps sir. Okay. Uh, number one, because prelims is very competitive. It is an elimination round. And number two, interview, we cannot predict the number of sc the scores that we are getting. Okay. It depends a lot on a good day or the type of questions that are posted to you if they are in your strong point. So it's very tough to predict. This is why mains in many ways becomes. आर ओन स्नैपशॉट ऑफ आर कॉन्सेप्ट ऑन द पेपर कि हाउ हाउ क्लियर आर यू विदॉपिक सो यू हैव कम्प्लीट फ्रीडम टू मेक इट योर कैनवस कैसे प्रेजेंट करना है आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से लिखना है की वर्ड लिखना है हैंडराइटिंग कैसी है आपकी यू गेट अ वेरी नाइस मिरा टू हुर इन द मेन्स तो थोड़ा सा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर मेन्स को स्पेशली अच्छा एक और चीज़ जैसे आपने स्टार्ट की जब अपनी प्रिपरेशन तो वॉट वॉज योर And when should a should an aspirant a serious aspirant get in the mains mode? Yes. So ideally in twenty nineteen I had done GS mains and prelims quite side by side. Or okay. optional I mm had -hmm. But because of twenty twenty setback, I had completely kept mains away until I had cracked the code, so to say, of the okay. prelims. Okay. So till then my prelims chal tha and mains had a backseat for a couple of months. Okay. Uh, but I would suggest that uh, you. Try to focus on optional ethics and essay while you're preparing for prelims also. November, December tak, agar kagarapka syllabus, essay ho jata, hai, it's always prudent. Fear after December you do a lot of your revision for prelims, sir. So mindset should be uh, in the initial stages, prelims and mains together. Okay, coming to the optional, which optional did you choose? So mine was anthropology. And was there any parameter? I mean is it related to your educational background how come you you know finalized this option sir it is uh, i am a computer science engineer so okay. it is quite far from that uh, but i felt in my understanding of myself i had a good humanities माइंड सेट एटलीस्ट सो आई वॉज इन्स केयर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आई नेवर था इसका ट्रांजेक्शन मुश्किल होगा बट हैविंग सेट वन यू चूज एन ऑप्शनल आपको उसमें थोड़ी इंटरेस्ट होनी चाहिए कैन यू अंडरस्टैंड दिलेबस कैन यू स्टिक विद इट फॉर सम टाइम और फिर देखिएगा इफ़ इट स्कोरिंग उसकी टेक्सट बुक्स हैं या फिर उसके मैंटर्स हैं आपको पढ़ाने के लिए एंड कैन यू स्टिक विद इट सर तो दीज आर समारामीटर्स बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू चूज अ राइट ऑप्शनल तो ये जो

टाइम तो आई फील दैट वैन यू स्टार्ट फिल्म प्रेपरेशन प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दल दैर इट सेल्फ आई हैड टेकन अबाउट टू थ्री वीक्स मैंने एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स पढ़ी थी थोड़ी सी करसरी रीडिंग करी थी न्यूज़ में देखा था इसका क्या अप्प्लीकेशन चल रहा है जैसे तो अब सेंटनलीस का इशू चल रहा था सो आई वॉज बिकमिंग मोर फैमिली और विद ऑप्शनल बट हैविंग सेट देर आर पीपुलव चेंज ऑप्शनल एंड स्टिल गॉड सक्सेस So I would say try to choose optional as quickly as you can, but don't make it a hasty decision based hmm. on some peer group or some peer pressure that you're getting. So aspirant, well, just say if you're considering a one year timeline, so I guess if you're starting you know from April or May, you know this should be the, you know, your exploration ground. Yes. You know, you, you ek explore karo. Shuru, if you have prepared to write UPSC, optional is going to be a very important paper.

So much doubt I had in my first interview. यू पी एस सी जाने से पहले आई वॉज वेरी एंशियस आई वॉज वेरी स्वेटी आई हैड वेरी लो कॉन्फिडेंस एंड वेन आई केम आउट आई रियलाइज दिस वज़ नॉट द वे यू शुड हैव अप्रोच द इंटरव्यू विथ सेल्फ जबकि मार्क्स का अगर हम ना देखें बट ये प्रोसेस hmm. से आई फेल वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ आई डि नॉट नो हाउ द प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक हाउ द भवन लुक्स लाइक ऑन द इन साइड इसकी इसका प्रोसेस क्या होता है और हमारी प्रिपरेशन बहुत इंडिविजुअल होती है सर प्रिलम्स मींस की एंड नाउ यू आर सडनली ऑन अ स्टेज विद पीपल जजिंग यू एंड वॉट हाउ वॉट सेंग so i wasn't happy with my first interview So uh, uh, first interview what was your score i got 182 sir but that is still a nice score it's huh. yes sir but it's not the result which mattered but my process because that could have huh. it could have huh. gone much lower than that also okay, uh, okay. For, sir second time i felt that i will go all guns blazing i will not be very underconfident mm -hmm. i will, but i did change my approach again I started articulating much better. I was much more precise in my answers, a bit more well read also. And since I was in service in my second interview, I felt I should show good professional skills also. So, my mindset was very different, sir, in my second interview. And perhaps that has also uh, shown results this year. Definitely. So, Ishani, now less than 50 days are remaining for Prelims 2024. So in the in these last you know forty five to fifty days, what will be your advice to the aspirants who are appearing this year? So there is a uh, two-step advice I would say, sir. is psychological or is academic. Mm -hmm. Psychologically, please forget पास्ट अटैम्प्ट फॉर गेट ट्वेंटी थ्री पेपर फॉर गेट द कट ऑफ फॉर गेट सी सेट कितना मुश्किल था एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज दिस इज अटैम्प इट्स अ न्यू रिफ्रेशर फॉर एवरीथिंग जस्ट कीप कॉन्फिडेंस कि आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी है यू कैन ओनली कंट्रोल योर टाइम योर टू आवर्स फॉर द प्रिलम्स प्रलम्स के मतलब पाँच मिनट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो टेल योर सेल्फ आई विल नॉट केयर अबाउट एनी थिंग एल्स जस्ट टाइम मैनेजमेंट इन दो वांस यू टेक योर फोकस अवे फ्रॉम द रिजल्ट एग्जामिनेशन हंड्रेड क्वेश्चन करने हैं मुश्किल आ Then you will take each minute as it counts. Sir. So, psychologically, please keep yourself happy and confident, whatever works for you, having good habits. So, mm -hmm. secondly, academically, I would say um, slotting your day into two or three parts. इन माई रनिंग अपू द डेज इन माई फिल्म आई हैव डन स्टैटिक रिविजन ऑफ वॉट आई ऑलरेडी न्यू बिकॉज वी कैन कंट्रोल अ लिटिल बट ऑन दिस टॉपिक्स पॉलिटी जोग्रफी एंड ऑल ऑफ दिस तो मैंने अपना टाइम उसमें स्पेंड किया नंबर टू आई गेव मॉक्स इफ़ इट वॉज इन माई शेड्यूल एंड पी वाई के उस चेक करें सर उसके बाद सींग योर एरर्स की आप कौन सी केयरलेस मिस्टेक करते हैं और आई यू नॉट रिकॉलिंग आर्टिकल यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर सेल्फ इन दट टाइम एंड नंबर थ्री इफ यू हैव रिवाइज करंट अफेयर्स इन द पास्ट Keep a smaller portion of the day because you can't control. So if you notice carefully, you focus more time on what you can control in the exam, and much lesser time on what you don't know is going to come. So this is how I had revised uh, the coming 15 days. You have mentioned a very important point also. I mean, I have observed this with the first attempters that you know they devote disproportionate time to current affairs. They are obsessed with the current affairs. But I think static has you know static is more or I mean if not less if not more it is not less important not it? Less it is important. A, as equally important as yes, current affairs yes sir. so you should you know uh, devote your time towards static portion also So one more thing i would like to say uh, current affairs is tough to predict but also mm -hmm. a very large part of upsc yes uh, general understanding through newspapers honi chahiye but current affairs essay padho based on pyqs and the trends that upsc is asking new technologies or something more important so don't study everything that's in the news but study smartly the current affairs Exactly. So, also, you know, for the last few years, there's a lot of buzz around CSAT becoming harder. Mm -hmm. So, what is your take on that? Is it actually becoming harder, uh, or you think it is manageable? So, this year, um, the essence of CSAT paper and the prelims paper may not change, even if they appear to be harder. No doubt, a bit. CSAT was a bit harder, I thought. But my strategy between the prelims between the CSAT did not change. So, keep that in mind. Uh, uh, even if you think the paper has become harder, don't change your strategy erratically on that day. So, keep mm -hmm. confidence with your practice for example in csat i would always quickly skim the entire paper and choose the questions which are which i'm strong at i would do maths in one hour and english in the other hour this sort of this strategy worked for me people have different ways of doing it but i would chase the questions which i was good at ratio proportion number system i have practiced those better so i could do it so mine was more accurate than doing all questions right because you do not get more marks for a tougher question at all and i would never go back to the questions which are futile which are tougher this was my approach and it's a qualifying paper so you have to modify your strategy in this way so very important point uh, you know in the first 10 to 15 minutes just you know go through the paper mark mm. the questions which you think you will be able to solve

वो अपना अटेम्प्ट खराब करते हैं सिर्फ दो घंटे में यू मेंशन साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यू नो दिस होल प्रिपरेशन व्हाट वाज योर अप्रोच इन दोस टू आवर्स यू नो वाइल यू आर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते थे व्हाट वाज योर अप्रोच सर हम सारा साल द होल ईयर वी स्पेंट ओनली फॉर 2 आवर्स एंड दैट चेंजेस आवर डेस्टिनी बट आई विल टेल यू इन माय 2020 2021 वेरी डिफरेंट अप्रोचेस इन बोथ इयर्स Even okay. though I had studied equally hard in both years, 2020, I had no knowledge of how quickly two hours are actually going. I did not practice that better. I did not strategize my uh, strong points. I was focusing more on the weak points. and when one question wasn't working my way, I would let that stress go to the next question. So I was not prepared, even though I had given mocks. but real exam ka jo uh, environment tha, wo I could not replicate confidently.

So this was a little um, there is no set number at all in my first few prelims i would have done 3 or 4 but 2023's paper i had done a bit more because i wanted to become a little more uh, calculatively risk taking in my attempt 23 may that's why i taken more iterations but this knowledge you will have to decide yourself when you see the paper if it's a very tough paper tell yourself okay itne iteration mein shayad ho jai. that's also subject to change based on how many you've bubbled अच्छा कुछ सालों से अब हम देख रहे हैं प्रिलिम्स इज बिकमिंग टफ़र एटलीस्ट द परसेप्शन इज सो और यू you नो know, मैं देखता हूँ प्रिलिम्स के इस टाइम पे अराउंड अप्रैल मई में, में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ आएंगी कि यू नो स्कोर ट्वेंटी मार्क्स विदाउट यू नो देर आर सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स डिड यू एम्प्लॉय ट्रिक्स एंड डू दे रियली वर्क सर आई डिड नॉट एम्प्लॉय एनी ट्रिक्स इन दिस एग्जाम Do not believe in shortcuts in this way. But there is such a thing called smart work. Shortcut and smart work is very different. शॉर्टकट्स विल ऑलवेज गेट यू इंटू अड आपका नेगेटिव हो ही जाता है एग्जाम में दट्स अ रीजन वी हैव नेगेटिव मार्किंग बट स्मार्ट वर्क मीन्स यू एलिमिनेट ऑप्शन आंसर एट ऑल एंड दट्स आई हेड एम्प्लाइड सर एंड आई है लॉट ऑफ एडवाइस फ्रॉम मेनी मैंटर्स एंड पीपल हुई मैथडॉलॉजीज मे नॉट वर्क नाउट्स कोई देर आर नो ट्रिप टिप्स ऑफ ट्रिक्स आई वुड से वो लॉजिकल गैसेज होते हैं लॉजिकल गेसेस यू नो दोस आर एप्लीकेबल यू नो दोस आर एप्लीकेबल बिफोर आल्सो एंड दोस विल बी एप्लीकेबल इन फ्यूचर आल्सो यस ठीक है सो इट इज मोर अबाउट हाउ लॉजिकल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग कम्स थ्रू रिवीजन ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन एंड हैविंग न्यूज़पेपर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग योर एनवायरमेंट अराउंड यू पर एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर वेरी ट्रू सो इशानी पूरी जर्नी रही आपका खुद का हार्डवर्क रहा हु योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम और आपकी इस सक्सेस में अपार्ट फ्रॉम योर ओन हार्डवर्क हु डू यू गिव द मोस्ट क्रेडिट फॉर दिस सक्सेस सर आई हैड अ डिलेमा शुड आई कम टू डेली एंड प्रिपेयर और शुड आई मूव ऑन टू अ कोचिंग रेजिडेंशियल प्लेस और शुड आई प्रिपेयर फ्रॉम माई होम इन चेन्नई इट्सल्फ बट आई थॉट आई कुड स्टडी इंडिविजुअली आई वुड नॉट नीड अ प्यर ग्रुप मे बी सो आई हैड माई पेरेंट्स एट होम And they were supporting me throughout, so I valued that support system over perhaps a nice education system somewhere to prepare. So they kept me going, I think all of us wrote the exam together, Aisa lag tha. the house was always in stress and the focus was on me. But they kept me going, so they told me that we are with you and hard work is the result. My father would always tell me that um, do thy duty, reward is not thy concern. It's a concept from Karam Yogi philosophy, yes. which means do your duty, reward cannot be your concern. And like I mentioned, this exam has a lot of control, uncontrollables. You cannot control your competition, your peers, the difficulty of the question paper. So it is the wrong place to put your energy. Where your, uh, where your focus flows, your energy also flows there. So. so this is the philosophy they have taught me and this, this kept me going in all the five years. Okay Shani, that was a very helpful session, I hope for the students, so we have come to, to an end, if you have any doubts, you can ask those. Myself, Purushottam, as you said that you have that support system from your family regarding the preparation, but everyone doesn't have that, so what are your advice for them? Do you think you have, uh, see there are two ways of this. एक तो ऑल दो माई सपोर्ट सिस्टम वॉज माई फैमिली बट अंटिल आई एम स्ट्रांग माई सेल्फ ऑन द इनसाइड दैट आई कैन डू इट इट इज इट यू डोंट नीड एनी वन एल्स अराउंड यू यू जस्ट नीड दैट इनर वॉइस टू टेल यू की जो भी हो जाए मैं एग्जाम करके रहूँगा एंड आई विल स्टिल डू इट यू डोंट कोई और मोटिवेट करके तो जा सकता so no, so really है आपको बट हु कीप यू गोइंग इन दोज टू आवर्स ऑफ प्रॉलम्स इन दो थ्री आवर्स ऑफ मी दट हैज़ टू बोर सेल्फ सो इवन दे आर जस्ट सपोर्टिंग मी बट आर डूइंग द एग्जाम इन दो फाइव आवर्स टू आवर्स टू आर नो इज जस्ट मी सो इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद आई एम नॉट कन्विंसड ऑफ माई गोल दैट नो बडी कैन रियली हेल्प मी बाहर का मोटिवेशन डोपो मीन बस पाँच छः मिनट का रहता है दैन आफ्टर दैट वी हैव टू कीप गोइंग बियॉन्ड दैट इज दैट नॉट ट्रू आपने कितने अटैम्प दिए फर्स्ट दे रहे हैं अभी तक नहीं 25 में दूंगे तो कीप एवरी डे जस्ट टेल यूर सेल्फिंग द एग्जाम और सोचो किंस्पेक्ट दफेस इन दिस वे और आप ऐसे जाओगे एनविजन हाउ यू विल बी इन दी फील्ड एंड यू विल रियली क्रैक दिस एग्जाम यूर और मैं आपको पहले भी बता रही हूँ दोज टू आवर्स ओनली यू आर योर बिगेस्ट एसेट सो यू डोंट नीड अ सपोर्ट सिस्टम जस्ट फ्रॉम योर फैमिली अगर uh, कभी भी आपको लगे यू वॉन्ट टू टॉक टू समन अबाउट द एग्जाम कॉल अप मे बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज नॉट इन द यू पी एस सी यो आर स्टार्ट राइटिंग मे बी जॉइन अ ब्लॉग ऑफ लाइक माइनेड यू पी एस सी एसपिरेंस दर आर लॉडो वेज फॉर यू टू फाइन सपोर्ट बट यू आर योर बिगेस्ट एसेट इन दिस एग्जाम कि यू राइटिंग ट्वेंटी फाइव येस मैम मैम एज यू मैं यू हैव आई आई टी बैकग्राउंड राइट इंजीनियरिंग यस, यस, कंप्यूटर सो वॉट यू थिंक अभी लास्ट ईयर में इंजीनियर्स और आई आर मोर प्रिवलेज अबाउट दिस एग्जाम और गेटिंग मोर सक्सेस नॉट एट ऑल यू पी एस सी मैंने बहुत बार आई फील इज वेरी गुड डेमोक्रेटाइजर ऑफ एवरी थिंग आपका सी जी पे हाई हो फिर भी यू कैन फेल इन द एग्जाम इफ यू फ्रॉम अ वेरी गुड लेग स्कूल यू कैन स्टिल फेल इन द एग्ज़ाम वाट एवर बी योर बैकग्राउंड इट डजेंट मैटर हम जो चार वॉल्स में करते हैं ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बॉल पेन के साथ रिविजन लक्ष्मीकांत एवरी वन डज द सेम थिंग इट इज़ यू हू मेक्स अ डिफरेंस सो ऑलवेज शेड योर बैकग्राउंड और एनी थिंग फॉर दिस एंड डोंट लुक एट टॉपर्स प्रोफाइल When you see them, just see their rank and the work that they have done. So UPSC is a democratizer of everything in this exam. Everyone can do it. I would also like to add a point. Just go home today and you know download 72nd uh, UPSC annual report. Usme background dekhna, It is almost equally uh, equal for you know people from humanities mm -hmm. or engineering. You know all, people from all backgrounds are clearing this exam. बस वर्क की क्षमता होनी चाहिए एंड यू पीस फॉर पब्लिक राइट सो एवरी वन इज ओपन टू फिल द फॉर्म एंड जॉइन यू पी एस सी सो डोंट वरी अबाउट द बैकग्राउंड जस्ट फोकस ऑन वॉट यू कैन डू ओके मैम थैंक यू